प्रेरणा यही हमें मिलती है कि जितनी भी कठिन परिस्थिति में हम लोगों को हार नहीं मानना है, उसका उपयोग करना है कि जिस समय हमारे पास कठिन समय आया तो हम उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं सकारात्मक रूप से। और दूसरी चीज़ है कि हमारे समाज को जागृत करना, क्योंकि गोंड समाज जो है बहुत अंदर अंदर ही है। तो क्या है कि एकजुटता लाते हुए हम लोगों को उभारना है, समाज को आगे निकालना है, समाज को आगे बढ़ाना है। और अगर सरकार तक हमारी बात जाती है तो हम लोग यही बोलेंगे कि जाति प्रमाण पत्र के लिए जो है हमारा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य इससे आगे सुचारू रूप से बन सकता है। तो आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो है, समाज को आगे बढ़ाइए, पब्लिक को दिखाइए कि हाँ भाई ये गोंड समाज जो है आदिवासी समूह का है, जो प्रकृति की पूजा करती है, जो हमारे समाज में निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए। संदेश तो यही होगा कि भाई हमारा समाज आगे बढ़े, लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़े तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा, हमारे समाज में शिक्षा का बहुत ज़्यादा जोर देना है कि हमारे लोग जितने शिक्षित होंगे उतना ज़्यादा हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। आज हम लोग इस प्लांट बस्ती के साप्ताहिक विकास प्रांगण में रानी दुर्गावती जी का 500 साल का जयंती मना रहे हैं बहुत हर्ष और उल्लास के साथ। और आज हमारा जो वीरांगना थी रानी दुर्गावती, जो कि अंग्रेजों को भगाने में मुगल शासन काल में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, तो लड़ते लड़ते ये शहीद हो गई उन लोगों को भगाने में, और अपने जो मान सम्मान को ठेस पहुँचने नहीं दिए। और यही सब को लेते हुए अभी 500 साल के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे उपलब्धियाँ करा रही हैं, जैसे इनके नाम से महारानी दुर्गावती के नाम से स्टेशन खुलने वाला है, और एक सिक्का का प्रचलन होने वाला है जो चांदी का सिक्का रहेगा इनके नाम से, और पूरे देश में हर्षोल्लास मनाने के लिए ये जो अलाउंस किया गया है माननीय माननीय मोदी जी के द्वारा कि रानी दुर्गावती जी का जन्म दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, और इसी लिए हम लोग भी आज बहुत अच्छा इस कार्यक्रम कर रहे हैं।